गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर अमर सिंह बंसल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। आपको बताते चलें कि 2012 बैच के आईएएस अमित सिंह बंसल इसके पूर्व खीरी लखीमपुर में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। जीडीए निवर्तमान उपाध्यक्ष वैभव श्रीवास्तव के तबादले के बाद रिक्त सीट पर आए अमित सिंह बंसल की पोस्टिंग हुई है। जीडीए उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत जीडीए उपाध्यक्ष अमित सिंह बंसल ने कहा कि जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा, विकास कार्यों में पारदर्शिता ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके साथ प्राधिकरण का बढ़िया संवाद स्थापित हो और उनके और हमारे बीच में जितना भी इंटरफेस होता है उसमें पूर्ण पारदर्शिता 100% स्वच्छता के साथ काम करें। जी संज्ञान को इस प्रकार का प्रकरण आता है तो हमको आप जरूर कराएं। नंबर सर आप सेव कर लेंगे तो वो तो हो जाएगा, अवगत करा दें, सूचना हमारे पास आ जाए, हम कार्रवाई करेंगे उसमें। और बैलेंस रिपोर्ट में तो होता ही है कि दोनों तरफ का पक्ष लिया जाए और लिखा जाए, अच्छी बात है। शहर का विकास ऐसा नहीं है कि हम अकेले करेंगे या आप ही करेंगे, सब लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो पाएगी तभी शहर का सर्वांगीण विकास संभव होगा। सर अब वही है कि मैं चाहूँगा कि आप सभी से मीडिया का सहयोग हो, आम जनमानस का सहयोग हो, सबका सहयोग लगातार मिलता रहे। ट्रैफिक को लेकर कोई प्लान है सर? अभी हम देखेंगे जैसा फीडबैक मिलेगा, जैसी आवश्यकताएं होंगी सर, मौके की स्थिति को देखते हुए उस प्रकार से कार्रवाई इसमें की जाएगी। पार्कों और कॉलोनियों की जो यहाँ पे, मैं वही कहूँगा कि जब तक डिटेल में हम ना देख लें तो कहना उचित नहीं होगा, और यही करेंगे जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण और समाधान किया जाना हमारी प्राथमिकता होगी।